हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक लॉज ऑफ मोशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि क्या कंडीशंस हैं जिनके होने पर ही एक हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर पाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए ना। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो फायदा क्या हुआ चैप्टर पढ़ाने का? मैं पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, और उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, तो आपके लिए बाकी वीडियोस को देखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। देखो, मान लो ये है कार्ट, है ना, और इसको एक हॉर्स ने पुल करना है। इस कार्ट को एक हॉर्स ने पुल करना है। अब हॉर्स जो है वो कार्ट से कैसे जुड़ा हुआ है? हॉर्स जो है वो कार्ट के साथ रोप से जुड़ा हुआ है। तो ये रही रोप और ये है हॉर्स। हॉर्स इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पूरा घोड़ा, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पूरा हॉर्स बनाऊं। आप मान लो ये हॉर्स का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहीं से सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? सबसे पहले कार्ट की बात करते हैं। कार्ट पे क्या फोर्स लगेगी बच्चों? कार्ट पे लगेगा फ्रिक्शन, इस तरफ और यहां पर भी लगेगा। मान लो ये टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कार्ट को आगे बढ़ने से रोकती है वो है एफ। ठीक, ओके, ये हॉर्स है। अच्छा, और क्या लगेगा बच्चों? कार्ट का वेट, मान लो इसको लिख ले हम डब्ल्यू सी, और इस वेट को बैलेंस करेगा ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगेगा? वो नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट से लगेगा। कांटेक्ट कहां पर है? यहां पर और दो और व्हील्स होंगे कार्ट के वहां से भी। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शंस को हम लोग ऐड कर दें तो मान लो टोटल नॉर्मल रिएक्शन आता है एन। चार नॉर्मल रिएक्शंस है ना, उन चारों को ऐड करके जो सम आ रहा है वो है एन, और वो वेट को बैलेंस करेगा कार्ट के। ठीक है, ओके। हॉर्स की क्या क्या फोर्सेस है? हॉर्स का वेट, वेट ऑफ हॉर्स, हॉर्स पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी चारों लेग्स पे, उनका सम जो है हम लोग मान लें ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉर्स, और ये वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा, जब रोप की हेल्प से हॉर्स कार्ट को आगे खींचेगा तो रोप में टेंशन डेवलप होगी, और टेंशन जो है दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी। टेंशन वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो हॉर्स जो है, ये हॉर्स है, इस रोप में हॉर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हॉर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो टेंशन लगेगी इधर, और यहां से लेकर यहां तक रोप सेम है, तो कार्ट के रिस्पेक्ट में देखें टेंशन लगेगी इधर, और वो भी क्या होगी? टी। तो टेंशन भी बैलेंस हो गई, है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये भी बैलेंस हो गई। अब देखो, जब हॉर्स ने कार्ट को खींचना होगा आगे की तरफ, तो हॉर्स जो है वो एक एंगल पर फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे। देखो, हम भी चलते हैं तो हम ऐसे सीधा तो ग्राउंड पे फोर्स नहीं लगाते, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वो तो हम जंप करते टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो देखो मेरा पैर कैसा रहेगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरा पैर थोड़ा ऐसा रहेगा, है ना, थोड़ा ऐसा रहेगा इस तरीके से। हॉर्स का पैर भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे मैं एक एंगल पे फोर्स लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, हॉर्स भी मान लो एक एंगल पर फोर्स लगाता है एफ, और उस एफ के बदले इसको मिलता है ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड लॉ फॉलो करेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारे साथ भी यही होता है बच्चों, जब हम लोग ग्राउंड पे इस तरीके से फोर्स लगाते हैं एफ, तो ग्राउंड भी हमको वापस फोर्स लगाता है एफ, और वो फोर्स जो है वो दो कॉम्पोनेंट्स में अगर हम लोग ब्रेक कर लें, एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, तो ये आगे की तरफ हमें फोर्स मिल गई, और हमें आगे ही तो बढ़ना है, तो ये फोर्स हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, और ये वाली फोर्स हमारे वेट को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो अब देखो, अगर आप ज्यादा पैर मोड़ोगे, अगर आप ज्यादा पैर मोड़ोगे तो थीटा बहुत कम हो जाएगा, थीटा बहुत कम हो जाएगा तो साइन थीटा बहुत कम हो जाएगा, जिससे वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैर मोड़ के चलोगे तो आप गिर जाते हैं, है ना। तो सब हर चीज में फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो इसने एफ फोर्स लगाई,
और ग्राउंड ने इसको वापस एफ फोर्स दी। अब मान लो वो एफ फोर्स लगी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इसका सामने की तरफ कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। सामने की तरफ कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, वो ऐड हो गया किस में? वो तो ऐड हो गया नॉर्मल रिएक्शन में, तो वो वेट को बैलेंस करने में उसकी हेल्प कर देगा पहले वाले नॉर्मल रिएक्शन की। अब सामने की तरफ, अब ओवरऑल सिस्टम पे अगर हम लोग देखें तो सिस्टम मतलब हॉर्स और कार्ट को मिला के, तो सामने की तरफ इस पे फोर्स है एफ कॉस थीटा सिस्टम पे, है ना, ये बाकी सारी बैलेंस हो रही है। ये सामने की तरफ फोर्स है एफ कॉस थीटा जो इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, इस तरफ इसको जाना है, ये इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, लेकिन ये फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ रोक रहा है, बाकी सारी तो बैलेंस है। तो अब बची सिर्फ ये फोर्स एफ कॉस थीटा, इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी और फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो अगर कंडीशन ये है बच्चों काट के चलने की, अगर एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, इफ एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, Only then this cart can accelerate forward. ठीक है? अगर ये वाली फोर्स, अब वो हॉर्स ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और इतने एंगल पे लगा रहा है, जो F cos theta का प्रोडक्ट हमको फिर मिल रहा है वो फ्रिक्शन से कम है, तो कार्ट कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कार्ट के आगे की तरफ, रेस्ट से आगे की तरफ चलने के या एक्सेलरेट होने की जो कंडीशन है वो ये है कि F cos theta, जो ग्राउंड उसको रिएक्शन दे रहा है, उसका फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट कार्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके उस फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? छोटा सा टॉपिक था, प्रिपेयर कर लेना, दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है स्कूल्स में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक और टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है।